हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग सिटी पार्क। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिक्स की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1, हु डिड पैट्रिक होमवर्क। तो यहाँ पे ये चैप्टर है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो चलो हम लोग यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था टू बोरिंग, बहुत बोरिंग है ये। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक अ इग्नोरमस, बट वॉट कुड ही डू। ही हेटेड होमवर्क। मतलब जो है पैट्रिक है, उसे होमवर्क करना बिल्कुल नहीं पसंद था। वह ये सोचता था कि बहुत बोरिंग है। एंड वो हॉकी खेलने उसे हॉकी खेलना, बास्केटबॉल, निंटेंडो एक गेम, वीडियो गेम का नाम है, तो वो खेलना बहुत पसंद था। ओके, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स ने उसे बताया, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो वरना तुम एक भी चीज़ नहीं याद कर पाओगे। और ये सच था, उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि वो बहुत इग्नोर है क्लास में। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं होता है, उसको क्लास में इग्नोर किया जाता है, उसके पास कोई नहीं बैठता है, तो ऐसे ही इग्नोर किया जाता है। लेकिन वो क्या करे, उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड his cat playing with a little doll and he grabbed it away. मतलब उसने देखा कि एक दिन उसने देखा कि उसकी जो डॉल उसकी जो कैट थी, वो एक छोटी सी डॉल को पकड़े थे और उसे ले जा रहा था। इट टू his सरप्राइज इट wasn't a doll। तो मतलब वो सरप्राइज रह गया कि एक डॉल नहीं थी, ये डॉल नहीं थी एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टीनियस साइज। ये क्या था, ये एक मैन था टीनियस साइज का, छोटे साइज का। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद अ ओल्ड फैशनड ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैड मैच लाइक अ विच येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई ग्रांट योर विश, प्रोमिस, आई प्रोमिस यू दैट। मतलब यहाँ पे उसका जो मैन था छोटे साइज का, वो बताया जा रहा है कि कैसा था। वो एक वूल की टी शर्ट पहने था, ओल्ड फैशन की जो बिच टाइप की कैप होती है, इस टाइप की वो पहने था और चिल्ला रहा था, सेव मी, मुझे इस कैट को वापस मत देना, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक विश दूंगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज। पैट्रिक ने जो है विश्वास नहीं किया कि हाउ लकी ही वाज, वो कितना लकी था। हेयर वाज द आंसर टू ऑल हिज क्वेश्चंस, ऑल हिज प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे उसके सारी प्रॉब्लम्स का आंसर था। ओके, ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days, इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, आई कुड इवन गेट एज। मतलब कह रहा है कि वो सोचता है कि मैं इतना लकी हूँ कि जहाँ पे मतलब उसकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया था। तो वो कहता है कि उस तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले, जो कि 35 days का है। इफ़ तुमने अगर अच्छी जॉब करी और मुझे ए मिला, तो तू कहता है कि तुम्हें अच्छी जॉब करनी होगी और मुझे ए मिलना चाहिए। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। ही किक्ड हिज लेग एंड
doubled his fist and grimaced and scowled and pursed his lips. Am I cursed, but I'll do it. मतलब उसे ऐसा लगता है, इसमें कहने का मतलब ये है कि उसे ऐसा लगता है कि ये तो मुश्किल है लेकिन मैं कर लूँगा. यहाँ पे जो डिश क्लॉथ का मीनिंग है ये जिस हम लोग डिशेस धोते हैं, और हैम्पर का मीनिंग है बास्केट, और यहाँ पे एक ग्रिमेंस्ड का मीनिंग है वो मतलब उसने अपना नाक मुँह ऐसे बना नहीं लेते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है. ओके एंड टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगिन टू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सपेक्ट देयर वॉज अ ग्लिच एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू ही नीडेड हेल्प मी he did say and patrick would help to him in whatever way. to yahan pe wo keh raha hai ki jo patrick elf jo tha wo uska work karna chala gaya, fir usko kya hua, elf ko zyada tar cheeze samajh nahi aayi to wo usko bulane lagta tha patrick ko, help me to patrick uski help karne aa jata tha. ठीक, आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वेक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क गिव मी अ डिक्शनरी नो वर्ड्स इवन बोथ अ लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. मतलब उसको समझ नहीं आया, वो इस डिक्शनरी मांग रहा था. ओके When it came to maths, जब maths की बारी आई Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. We elves never did that. मतलब ये कह रहे हैं कि जो elves होते हैं उनको ना maths ने उन्होंने maths नहीं पढ़ी होती, जैसे कि पता होगा वैसे भी maths hard होती है. चलिए देखते हैं आगे. एंड एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शंस हियर सिट डाउन बिसाइड मी यू सिंप्लीफाई मस्ट गाइड मी एल्फ नो नथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री. तो जो है वो उससे हेल्प मांगता है पैट्रिक से. मैथ्स में भी ह्यूमन हिस्ट्री उसे आती नहीं थी, उसे पता नहीं था कुछ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में. टू देम इट्स अ मिस्ट्री. जो एल्फ थे उनके लिए एक मिस्ट्री थी. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी आई शाउटर जस्ट गॉट लाउडर गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दम आउट. मतलब आप ही कह रहे हैं कि उसे जो है बुक्स की ज़रूरत होती है क्योंकि उसने कभी ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ी नहीं होती है तभी उसे. और वो पैट्रिक से कहता है कि तुम मेरे लिए बुक लाओगे और तुम ही मेरी हेल्प करोगे, तुम ही मेरी हेल्प करोगे होमवर्क में. चलिए मैं यहाँ पे पढ़ना शुरू करता हूँ. हम लोग एज मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ नैग वॉज अ नैग. मतलब नैग का मीनिंग होता है कि हर बात पे कोई कंप्लेन करता हो कि उसे मतलब प्रॉब्लम होती हो. यहाँ पे दिख दिया भी गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अच्छे से अगर आप कुछ समझ लें. लेकिन इसका मतलब यही होता है जिसको कंप्लेंट जो हर टाइम कंप्लेंट करता हो. ओके पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन इवन एंड वॉज इट ड्रैग. मतलब वो ज़्यादा मेहनत कर रहा था और वो रात में भी उसके साथ हेल्प कर रहा था. हैड नेवर फेल्ट वेरी वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज प्लफ्ड
लियारी मतलब उसके वो रात में सो नहीं पाता था, और जब वो स्कूल गया तो उसकी आंखें जो थी वो थोड़ी ब्लरी सी होने लगी, उसे मतलब नींद सी आने लगी। ओके फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, मतलब उसका लास्ट डे हुआ और उसको एल्फ को जाने का मौका मिल गया। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली स्लैंग स्लिप्ड आउट आउट द बैक डोर, मतलब उसका आगे का होमवर्क बचा नहीं था इसलिए वो जा सकता था। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, ही वाज नाउ द मॉडल किड, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोरस चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। तो मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उसको ए मिला, फर्स्टली उसको होमवर्क में उसके ए मिला, और उसके जो क्लासमेट थे वो आश्चर्य से रह गए कि ये तो पहले पढ़ता नहीं था अब कैसे हो गया, और जो उसके टीचर थे वो बहुत खुश थे, वो उसकी तारीफ़ कर रहे थे, एंड उसके जो पेरेंट्स थे वो मतलब वो भी आश्चर्य हो गया कि उसके मतलब वो पैट्रिक के साथ क्या हो गया। अब वो एक रोल मतलब मॉडल किड था कि वो अपना रूम साफ़ किया करता था, अपना सारा काम किया करता था, चेयरफुल रहता था और रूड नहीं रहता था, और मतलब वो पूरा डेवलप्ड हो चुका था एक नए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ओके ना हम लोग यहाँ पे सॉरी तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट का है, ये लास्ट पर है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वाजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट होमवर्क, मतलब उसने उसका होमवर्क अपने आप किया। तो बात क्या थी, जो एल्फ था वो आपको पता होगा, मैंने भी आपको बताया था कि वो बुक्स मंगाता था, तो वो सारा काम उसी से पैट्रिक से ही कराया करता था अपने नाम पे, क्योंकि उसे कुछ समझ वो ऐसे उसे कुछ समझ नहीं आता, तो उसकी पैट्रिक ही हेल्प करता था, इट मीन्स वो खुद ही होमवर्क करता था। अब यहाँ पे था इसके जो राइटर है वो कोरल मोर है। ओके कैरल मोर, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, कैरल मोर है इसके जो है राइटर है वो कैरल मोर है। थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।